वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम लोग सुबह आज का जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं चिड़का मंदिर। आज है मंडे, तो चलो बिंदे कि आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। हम लोग का गाड़ी भी आ चुका है, मतलब निकल चुका है, और वहाँ पर शिव मंदिर में देखो कितना ज़्यादा भीड़ है। सब लेडीज़ लोग पूजा वूजा कर रही है, तो ये देखो वहाँ पर पूजा हो रहा है हमारा शिव मंदिर में। तो चलो हम लोग बिंदे के चलते हैं। हे गाइस, तो आपको पता ही होगा कि हम लोग अभी निकल चुके हैं चिड़का मंदिर के लिए, और अभी हम लोग रास्ते में हैं। तो ये देखो हम लोग झारखंड में थे इतना देर, अब जा रहे हैं हम लोग इंटर करने वाले बंगाल। तो ये देखो गेट आ चुका है, यहाँ से सब दिखता है पुरुलिया कितना किलोमीटर है। ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, तो चलो पार करते हैं इस गेट को। और यहाँ पे आ चुका है गाइस हम लोग का मंडी। तो ये जो मंडी है यहाँ पे बिकता है बकरी वगैरह सब बिकता है, क्योंकि आने वाला हम लोग का यहाँ मनसा पूजा होता है, तो पूजा आ गया है तो इसीलिए मंडी भी लगना स्टार्ट हो चुका है। और गाइस ये जो चिल्का धाम का जो ये नया रोड बन रहा है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे ध्यान से आना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो है एरो दे दिया है कि आप उधर से मोड़े, और यहाँ पे जो नीचे में जो है ब्रिज बन रहा है, ये देखो वहाँ पे ब्रिज बन रहा है, इसी के कारण जो ये रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया है। जब ब्रिज स्टार्ट होगा तो खोल दिया जाएगा। तो अभी देखो ये हम लोग जा रहे हैं साइड से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जाते टाइम रेलवे फाटक भी मिलता है, तो अभी तो खैर ट्रेन नहीं आ रहा है, तो चलो विंदेर के ट्रेन रेलवे फाटक को पार करते हैं। गाइस ये जो चौक है इसमें बहुत ज़्यादा जाम रहता है, मेरे को तो नाम नहीं पता, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम रहता है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे साइड में अमरूद वगैरह भी बिक रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम भी रहता है, क्योंकि अभी जो है बोलबम का टाइम है, सावन चल रहा है। तो ये देखो इसीलिए सावन के लिए हम लोग जा रहे हैं चिड़का धाम, और चिड़का धाम का हम लोग रोड में जो है एंटर कर चुके हैं, और अभी से इतना भीड़ लग रहा है कि गाड़ी जो है हम लोग को दूर में ही लगाना पड़ेगा। ये देखो चिड़का धाम का ये गेट है, तो बिन देर के चलो अंदर के चलते हैं चिड़का धाम का गेट के, ठीक है। ये है एंट्री गेट, आप लोग ये देख लो, और यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं चिड़का धाम के लिए। तो ये देखो इस तरह कुछ रोड है, रोड तो खैर ठीक नहीं है बट चलेगा काम। और यहाँ से भी जो ऑटो है यहीं से खड़ा है, और हम लोग यहाँ पे जो कार को बैक करके और साइड पार्किंग में लगाएंगे, क्योंकि आगे जाने नहीं देगा कार, बहुत ज़्यादा भीड़ है इसीलिए। तो ये देखो हम लोग कार जो है आगे लेके जा रहे हैं और पार्किंग कर रहे हैं। हेलो गाइस, तो गाड़ी वाड़ी पार्किंग कर चुके हैं हम लोग, और ये देखो हम लोग सब उतर चुके हैं जाने के लिए। और थोड़ा रास्ता आज ख़राब मिला क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, पता ही है सोमवार है तो आज कितना भीड़ हो सकता है। तो हम लोग ये देखो गली में घुस चुके हैं, और इस गली में जो है बहुत सारा सामान भी बिकता है, रस्सी वगैरह आप कुछ भी यहाँ परचेस करके, और मतलब माला वगैरह, रस्सी, आप हाथ में ब्रेसलेट वगैरह, प्रसाद सब बिकता है यहाँ पे। तो प्रसाद यहीं मिलेगा तो हम लोग ले लेंगे, और बच्चों के लिए खिलौना भी मिलते हैं, और कुछ लेडीज़ का सामान भी मिलता है। और ये देखो हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर, आगे आगे पापा चल रहे हैं। और गाइस आज पापा का बर्थडे भी है, तो रात को आपको स्पेशल ब्लॉग देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आ जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में आप लोग इन्जॉय करो, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में इन्जॉय धमाका होने वाला है नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। और गाइस यहाँ हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और साइड में जो है प्रसाद का दुकान भी है, तो यहीं से प्रसाद लेंगे। और कितना बढ़िया मंदिर लग रहा है देखने में, आप लोग देखो, और कमेंट करके बताओ कौन कौन चिड़का धाम आ चुके हो, और कितना ज़्यादा भीड़ है, आप लोग यहीं से देख के अंदाज़ा लगा सकते हो तो अंदर क्या हो सकता है। और मैं जितना कोशिश करूँगा जितना अंदर मैं आपको दिखा पाऊँ। तो ये देखो ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ का, आप लोग अगर आना चाहो तो बहुत बढ़िया मंदिर है, आप लोग आ सकते हो। और ये रहा मैं, ठीक है, मैं कुर्ता पहन के आया हुआ था। और ये देखो मंदिर का कुछ व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, और इस चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो होने जा रहा है। और भाई लोग यहाँ पे कुआं भी है जिसमें आप आके पैर हाथ धो सकते हो,
तो हम लोग अभी जा रहे हैं पैर हाथ धोने। तो ये देखो ये जो कुआं है बहुत अच्छा है, और यहीं से पानी उनी लेके और हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, और यहीं पे जो है पैर हाथ भी हम लोग सब लोग धो लेते हैं। तो चलो बिन देर के पैर हाथ धो के हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, और ये देखो मंदिर में और भी ज़्यादा भीड़ हो चुका है, और हम लोग बगल में जो पंडित जी बैठे हुए हैं उन्हीं से पूजा करवाने वाले हैं। तो ये देखो मेरे को जो है यहाँ पे दिख गए पंडित जी, और यहीं पे मैं खड़ा होकर पूजा करवाने लगा सभी फैमिली लोग। और ये देखो चलो बिन देर किए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करो। और गाइस हमारा पूजा जो है स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग जो है नारियल वरियल जो भी पंडित जी बोल रहे थे वही सब कर रहे थे। तो ये देखो पंडित जी बोला हाथ लगा के रखो, उसके बाद जो है हम लोग का नारियल जो है हाथ लगा के और पूजा होने लगा। पता नहीं क्या क्या हो रहा था, मेरे को उतना आइडिया है नहीं। और यहाँ पे जो है पापा सबका नारियल जो है फोड़ रहे थे, मतलब हम ही लोग का, और हम लोग जितना भी नारियल वरियल रहे थे सब यहाँ पे फोड़ रहे थे। देखो इस तरीके से कुछ फूट रहा था, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, तो आप लोग को शोर बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा होगा। मैं वॉइस ओवर दे दूँगा क्योंकि बोल के कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो मैं अभी जो है वॉइस ओवर दे रहा हूँ, और जो साउंड है वो म्यूट कर रहा हूँ, नहीं तो आपका दिमाग में दर्द हो जाएगा इतना साउंड था कि। और गाइस यहाँ पे जो है मंदिर के अंदर हम लोग घुस चुके हैं एकदम अंदर। यहाँ पे जो है आप शिवलिंग है वहीं पे, तो ये देखो हम लोग जा रहे हैं अंदर। और थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है, तो ये देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दिया हूँ। और ये देखो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रहा था क्योंकि यहाँ पे सब हड़बड़ी में थे, क्योंकि रात भर इन लोग चल चल के आए थे, तो पता नहीं उन लोग क्या कर रहे थे, ठीक है।